उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन के कर्तव्य इस्तेमाल करना भी। खम्बे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना अलग बात है। अपने भाई को बचाने के लिए राजी को असुरों का सामना करना पड़ेगा। उसने त्रिशूल पकड़ा, वो बहुत शक्तिशाली अस्त्र था। इसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव से आशीर्वाद मिला था और ये उसके भयानक शत्रु का सामना करने में उसकी सहायता करेगा। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। इसे धारण करने से पहले उसे शक्ति, हिम्मत और भरोसे की जरूरत है। कमजोर है और त्रिशूल का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है।
तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। इसे देख। शहद असुर को मारने का इनाम। इसकी शक्तियों से तुम्हारे घाव भर जाएंगे। मंडल सभी को पीता हुआ कल दिखाता है। इन झलकों का हमेशा कोई मतलब होता है।
मानना पड़ेगा वो कर लेगी, उसे युद्ध की कला की जरूरत होगी, ये सच है और इनकी परीक्षा भी होगी। लेकिन शक्तिशाली होने से मेरा मतलब ये नहीं था। यहाँ महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, दुष्ट आत्मा, लेकिन उसके बिना आप नहीं आती। यही समय है जब उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था। उसे कोई आदमी नहीं मार सकता। और यहां महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसने सभी देवताओं को हरा दिया और निकाल दिया, यहाँ तक कि इंद्र को भी। आपका जन्म देवी दुर्गा, देवों को पता था कि उनके पास यही मौका है कि वे अपने शत्रुओं को खत्म करने वाला कोई जीव बना सके। उनकी सारी शक्तियां एक शरीर में, सभी अस्त्रों के साथ। मैं सोचता हूं आपके विचार क्या रहे होंगे। आपने उसे हरा दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। आप शेर की सवारी करते हुए युद्ध में सबसे आगे थी। सभी देव आपके पीछे थे, एक नई हिम्मत के साथ। महिषासुर ने अपना असली रूप लिया, एक भयावह भैंसे के रूप में पैर पटकता हुआ, योद्धाओं को अपने पैरों से कुचलता हुआ और अपने सींगों से सभी को हवा में उड़ाता हुआ। आपने अपने त्रिशूल से घातक प्रहार किया था। आपके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हालांकि महिषासुर ने स्वर्ग को हिला दिया था।
आपकी आंखों में युद्ध की ज्योति माथे पर लगा। बाबा।